पेरेंट्स, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया, आपकी अपनी आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करेंगे टेम्पर टैंट्रम के बारे में। यस, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि एग्जैक्टली अभी तो बच्चा ठीक था, एकदम से क्या हो गया, क्यों ये बार बार कोई भी जो चीज़ है वो फेंक रहा है, क्यों इरिटेट कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, ज़मीन पे आके क्यों सो रहा है, क्यों परेशान कर रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसके माइंड में होते हैं कि अभी ठीक था, अभी एकदम से क्या हो गया। तो यही है टेम्पर टैंट्रम, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सो कीप वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच जाए। दो पार्ट में ये हम डिस्कस करेंगे। एक पार्ट में एग्जैक्टली टेम्पर टेंट्रम क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, क्या करना चाहिए इसके बारे में, और सेकेंड पार्ट में पेरेंट्स को क्या ध्यान में रखना है, कैसे इसको हैंडल करना है, क्या इसको मेडिसिन की जरूरत है, क्या इसमें हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत है, इसके बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। तो टेम्पर टेंट्रम ये ऐसी चीज़ है, इसमें क्या होता है, बच्चा अभी तो ठीक था, एकदम से इसको हाइपर हो गया, एकदम से इसको इसकी जो एक्टिविटी है चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखते, जैसे कि बच्चा कोई भी चीज़ है हाथ में फेंक देता है, फ्लोर पे सो जाता है, ज़्यादा चिल्लाता है, क्राइंग करता है, इरिटेट करता है। कोई बच्चा सांस लेने में, कभी कभी तो बच्चा इतना हाइपर हो जाता है कि क्राइंग के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होती है। यस, तो ये जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है उसको। तो ये सब देख के ऑब्वियस है पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि एग्जैक्टली अभी तो ठीक था, अभी इसको क्या हो गया। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, टेम्पर टैंट्रम है। ये मोस्टली एज ग्रुप जो है 1.5 to 3.5 years, मतलब 3.5 साल तक ये होता है। इसका जो पीक लेवल है वो सेकेंड ईयर, मतलब 2 साल के जो बच्चे हैं उसके आसपास, उसमें ज़्यादा दिखने के लिए मिलता है। क्योंकि ये जो पीरियड है वो बच्चा कुछ नया सीखने के लिए ट्राई करता है, इमोशंस बढ़ जाते हैं, बच्चे को अटेंशन चाहिए होता है, और इस दौरान उसको वो जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलती, तब उसमें टेम्पर टैंट्रम देखने के लिए मिलता है। तो मोस्टली जैसे मैंने बोला कि सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, मतलब सेकेंड जो ईयर है बच्चों का, उसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और मैक्सिमम 3.5 years तक मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है, जैसे बच्चा सीख जाता है, अपने आप बच्चा डेवलप हो जाता है उसके हिसाब से। पेरेंट्स को बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो पेरेंट्स की वजह से होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रिगर फैक्टर क्या है, क्यों होता है। एक जो एकाधी जो चीज़ है बच्चे को नहीं चाहिए होती है, वो हम उसको करने के लिए बोलते हैं, जैसे स्कूल जाना, कुछ बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, हम उसको स्कूल भेजते हैं, तो वो जो चीज़ है उसकी वजह से ये ट्रिगर हो सकता है। सेकेंड है कि बच्चों को खिलौना चाहिए होता है और हम खिलौना मना करते हैं, फर्स्ट टाइम मना करते हैं, फिर बच्चा रोता है, बच्चे को पता चलता है 5-10 मिनट बच्चा रोता है, फिर 10 मिनट रोने के बाद पेरेंट्स फिर दे देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप 10 मिनट रोने के बाद दे दोगे, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम बच्चे को पता है वो फिर और कुछ मांगेगा, और फिर उस टाइम पे उसको पता है कि अभी 10 मिनट में रोने के बाद मुझे मिल जाएगा, 15 मिनट रोने के बाद मुझे मिल जाएगा, तो वो और चीज़ें बढ़ाएगा। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती होती है, पेरेंट्स उसको ट्रिगर करते हैं और वो होता जाता है। तो आपको वहाँ पे अटेंशन देना है, वहाँ पे आपको अच्छे से टैकल करना है, ताकि ये बच्चों में ना हो। तो ये चीज़ है कि कुछ खिलौना बच्चे को चाहिए होता है, वो हम नहीं देते, मना करते, उस टाइम पे ट्रिगर होता है। थर्ड जो चीज़ है वो है इमोशंस, इमोशनली बॉन्डिंग होती है बच्चों की पेरेंट्स के साथ। कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसको टाइम नहीं दे पाते, खेलने के लिए नहीं लेके जाते, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है, तो उसके कारण भी ये ट्रिगर होता है। फोर्थ जो चीज़ है खाने को लेकर, जैसे मैंने बोला एक चीज़ बच्चे को नहीं खाना है और हम उसको खिला रहे हैं ज़बरदस्ती, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चा टेम्पर टैंट्रम करेगा। फोर्थ जो है वो है कि बच्चे को एक्सप्लोर करना होता है, खुद को अटेंशन चाहिए होता है, वो अगर कहीं ना कहीं मिस हो रहा है तो वहाँ पे भी टेम्पर टैंट्रम दिखने के लिए मिलेगा। तो ये जो चीज़ है जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, ये जो है ट्रिगर फैक्टर है, यहाँ पे टेम्पर टैंट्रम दिखने के लिए मिलेगा। तो इसमें हमको क्या नोट ध्यान में रखना है, अंडरलाइन नोट जो है वो है कि इसको हमको चेंज करना है, मतलब हमारा जो पेरेंट्स का बिहेवियर है तो आगे लेके जा रहा है, तो वो हमको चेंज करना है। बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी रखनी है, कम्युनिकेशन करना है, उसको जो अटेंशन चाहिए वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, तो वो हमको ध्यान में रखना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे टैकल करना है।
ठीक है। हाँ, पर एक ध्यान में रखना है, ज़्यादा उसको डराना नहीं है या कुछ मारना झगड़ना नहीं है, ठीक है, बच्चे को उसके हिसाब से, क्योंकि ये जो एज ग्रुप होता है इसमें ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है, जस्ट इमोशनल इमोशंस मैच्योरिटी आने को स्टार्ट होता है, पूरी तरीके से बच्चे का ब्रेन भी डेवलप नहीं होता, इसलिए आपको उसको कभी भी मारना नहीं है, बहुत ज़्यादा डराना नहीं है उसको, उसके हिसाब से आपको समझाना है ताकि ये आगे ना हो और आपको फिर टेम्पर टेंट्रम जैसे जो है वो आपको ज़्यादा फेस करने ना पड़े।